हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे राजस्थान प्रदेश जो है भारत में किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, पर्यटन का विपणन करने हेतु पहली बार PATA पाटा स्वर्ण पुरस्कार राजस्थान में दिया गया था। इसके अलावा राजस्थान में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पहले आंध्र प्रदेश का था, पर अब राजस्थान का है। ठीक है, बाल बीरिंग का जयपुर का कारखाना एशिया में सबसे बड़ा कारखाना है। डाक विभाग द्वारा राजस्थान के उदयपुर व अजमेर मंडल में ट्रैक एंड ट्रेस सेवा प्रारंभ सर्वप्रथम राजस्थान में की गई। सूचना के अधिकार को सर्वप्रथम राजस्थान ने अपनाया। वोलेस्टोनाइट सिरोही, फ्लोराइट डूंगरपुर, जासपर संगमरमर, जिप्सम रॉक फास्फेट, चांदी सीसा जस्ता टंगस्टन घिया पत्थर तांबड़ा आदि के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। जैविक खेती की नीति करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली अपनाने वाला भी राजस्थान पहला राज्य है। संस्कृत शिक्षा हेतु पृथक निदेशालय की स्थापना राजस्थान में की गई सर्वप्रथम। स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ लागू करने वाला राजस्थान है। स्थायी लोक अदालतें पूरे राज्य में गठित करने वाला राजस्थान। 2000 निःशुल्क जेनेरिक दवाइयों का वितरण प्रारंभ करने वाला भी राजस्थान पहला राज्य है। शिक्षा का हक अभियान में राजस्थान देश में राजस्थान से शुरू हुआ सबसे पहले। मेहंदी उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए सुनवाई के अधिकार अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें बता देते हैं राजस्थान से रिलेटेड। पहला आदर्श लवण पार्क नावा में स्थापित है। ये नावा कहाँ पे है? नागौर में। दूसरी क्या चीज़ है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव, जो कि नागौर का एक गाँव है, वहाँ पर स्टार्ट किया गया। देश की पहली रेल बस सेवा 12 अक्टूबर 1994 को मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य चालू की गई। ये भी नागौर में स्थित है। ठीक है, एशिया की व देश की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में है। एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन 10 मेगावाट क्षमता का भरूखेड़ा बीकानेर में। देश व राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी लूणकरण सर, ये भी बीकानेर में। पहली ओरण पंचायत का गठन डोक गाँव बाड़मेर में हुआ। शराब बिक्री करने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन मुनाबाव बाड़मेर, यहाँ इस रेलवे स्टेशन पर शराब की भी बिक्री होती है। भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब रेलमगरा राजसमंद में है। ठीक है, पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय, भारत का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर में। प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क निर्माणाधीन, ये भी उदयपुर में बन रहा है। भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला उदयपुर में है। देश का पहला डिजिटल मैप उदयपुर का बनेगा, बतावित है। राजस्थान का प्रथम व देश का पांचवा गर्दब अभ्यारण यह डूंडलोर झुंझुनू में है। पिलानी में प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज, ये भी बिट्स पिलानी में। पहला 100 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र, ये भी गोरीर झुंझुनू में, गोरीर गांव में। देश का प्रथम निर्मल ग्राम बख्तावरपुरा झुंझुनू को कहा जाता है। देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी अक्वाली गांव झुंझुनू में है। 63वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2012 को दिल्ली के राजपथ पर वायुसेना की परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला सीकर जिले से है, अजीतगढ़ कस्बे की। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत ये सीकर की है। जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना भरतपुर में। एकमात्र विभीषण जी का मंदिर केथुन कोटा में है। प्रथम अहिंसात्मक असहयोग किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक जो चलाया था बिजोलिया गांव में, ये भीलवाड़ा में स्थित है।